हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवा लिया है तो आप जानना चाहते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं या बेबी गर्ल को। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद माता पिता अल्ट्रासाउंड में ये चेक करते हैं कि हम कहाँ पता कर चले कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। काफ़ी अल्ट्रासाउंड को छानबीन करने के बाद, काफ़ी बार पढ़ने के बाद, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर कहाँ लिखा होता है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड में आपको ऐसे छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आज की वीडियो में बस आपको वही बताऊँगी। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप तभी समझ पाएंगे। ये है, यानी कि ये मेरी अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये है मेरी दिरानी यानी कि देवर की पत्नी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। उसी के थ्रू मैं बताऊंगी। वैसे मैंने मेरी अल्ट्रासाउंड पर रिपोर्ट वीडियो बनाई हुई है, उसमें मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ, ये भी बेबी बॉय की ही है। तो यहाँ पर हम पहले तो बात करेंगे प्लेंटा की। प्लेंटा एंटीरियर है, ऐसा माना जाता है अगर प्लेंटा एंटीरियर है तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर उनकी प्लेंटा पोजीशन एंटेरियर रहती है तो वो बेबी गर्ल को कंसीव कर सकती हैं। इसमें ये सभी वो जो महिलाएं हैं उनके बॉडी हार्मोन चेंज अलग रहते हैं, बेबी अपनी पोजीशन खुद लेता है क्योंकि टमी काफ़ी छोटा है होता है, यूट्रस में इतनी जगह नहीं रहती, जहाँ उसको ठीक लगता है वो वहीं पर धीरे धीरे जो बेबी का विकास होने लगता है, डेवलप होने लगता है। तो ये मेरी उसकी थी देवरानी की, जिसमें प्लेंटा एंटीरियर है, लेकिन मेरी जो अल्ट्रासाउंड है मैंने करवाई थी उसमें भी हमको सेम ही एंटीरियर है। सेकंड हार्ट बीट तो 148 पर मिनट, यानी कि इस ये 5 मंथ की है, तो उसमें बेबी की 148 जो BPM हार्ट बीट आई है और मेरी जो थी वो 145 BPM थी। तो ये वाला लक्षण जो 140 से ऊपर है अगर, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो ये हम दोनों में बिल्कुल सटीक बेटा है, लेकिन दूसरे की बात करें तो बहुत सारे जो रहते हैं उनको बेबी गर्ल भी होती है, तो हम दोनों में तो सेम था। अब यहाँ पर मैंने अपनी दो फ्रेंड की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मंगवाई है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर हम चारों पाँचों का सेम हो गया तो फिक्स, अगर 140 से ऊपर रहती है तो आपको बेबी बॉय ही होगा। तो आप मिलान कर सकते हैं, अगर आपको 148 है, प्लेंटा एंटीरियर है, तो आपको बेबी बॉय ही होगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में सेम सिम्टम्स रहते हैं, सेम चीज़ें रहती हैं, तो उनको बेबी बॉय ही होता है या बेबी गर्ल ही होती है। यहाँ पर दो बातें क्लियर हो गई, और जो मेरी है वो भी प्लेंटा एंटीरियर ही है पोजीशन, और मुझे मेरे बेबी बॉय की 145 BPM हार्ट बीट थी। अब यहाँ पर बेबी के पार्ट्स और इनके बारे में सभी चीज़ें नॉर्मल है। फेस है, चेहरा है या फेटल टोन। अब हम जो इसकी इमेजेस रहते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट डॉक्टर जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है उनको सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करते करते, तो सबसे पहले बेबी के सर का आकार देखते हैं। बेबी के सर का अगर जो आकार है वो बड़ा साइज है उसका बढ़ता हुआ है तो ऐसा माना जाता है ये बेबी बॉय होगा, लेकिन ये हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि सर का आकार बेबी बॉय या बेबी गर्ल का सेम हो सकता है। तो हम इस पॉइंट को छोड़ के और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर ये बेबी का चेहरा, हाथ पैर, फेस, नीक, जो रीढ़ की हड्डी है, किडनी है, लीवर है, उसका पेट है, उसकी बारे में बात करेंगे। अब माना जाता ये है कि प्लस और माइनस का चिन्ह देख कर भी आप पता लगा सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं या बेबी गर्ल को। ये वाला जो लक्षण है ये बहुत सारी महिलाएं, हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं उसमें उनका सटीक बैठता है, तो इसमें भी देखिए प्लस ही आया है। जो ये चिन्ह है आप देख रहे होंगे, आपको दिखता होगा, ये अगर नीचे से ऊपर की ओर तरफ बनता है तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं। ये दोनों सोनोग्राफी जो मेरी अल्ट्रासाउंड है और इसमें तो हमको सेम प्लस वाले चिन्ह में नीचे से ऊपर की तरफ बना है, तो हम दोनों को ही बेबी बॉय हुए हैं। तो ये वाला लक्षण जो थर्ड वाला है हमको बिल्कुल सटीक बैठा है, इसको नवलिंग प्रशिक्षण बोलते हैं। अगर आपको 30 डिग्री से ऊपर कोण बनता है तो आप बेबी बॉय ही को कंसीव करेंगे। इसमें ये सिम्टम्स जो है या ये लक्षण है इसको कोई भी मतलब झूठा नहीं साबित करता है, 100% प्रूफली है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में और जो वहाँ स्कैन करते हैं उसमें ये साबित हो चुका है और इसी से प्रमाणित हो जाता है कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। एक आता है हमबर्गर, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो प्लस वाला चिन्ह है उसमें इस तरीके से आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड में जहां भी आपका बना है, अगर वहां पर आपको तीर दिखता है ये बना हुआ, आपको ये बना हुआ दिखता है,
तो इसका कोण जो अगर 30 डिग्री से ऊपर उठता है तो आप बेबी बॉय को ही कंसीव करेंगे, अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ है तो आप बेबी गर्ल को। यहाँ पर वैसे ये दोनों तरफ ही ऊपर बना हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो आप समझ सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में जाकर, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, या आपके कुछ अल्ट्रासाउंड में ऐसे सिम्टेंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। सभी न्यू मॉम्स पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको काफ़ी जिज्ञासा रहती है अल्ट्रासाउंड कैसे पढ़ें, कैसे जानें कि आने वाली संतान बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो यहाँ पर मैंने अपनी 2 अल्ट्रासाउंड आपको बताई है, आप कुछ जानते हैं या आपके साथ कौन सा माइनस प्लस का चिन्ह है, आपको बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय, तो आप ज़रूर हमको कमेंट्स करिए। आपकी चीज़ें एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो शेयर कीजिए, आपको कौन से सिम्टम्स होते थे, आपके अल्ट्रासाउंड में क्या आया था, तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।